हेलो। हेलो एवरीवन। एम आई ऑडिबल? हाय सोनिया जी, जय माता दी। हेलो देव जी। चलिए, तो काफी लोग जुड़ गए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जयकारा लगाएंगे शेरावाली का। जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ महिमा सरीन फ्रॉम मुंबई, होम बेकर, होम शेफ। और आज नवरात्रि स्पेशल में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ साबूदाना थाली पीठ। हम लोग बड़े तो बहुत खाते हैं बट काफी फ्राइड हो जाते हैं, और अगर आप लोग फास्टिंग करते हो, डेली फ्राइड फूड और ये सब खाएंगे तो थोड़ा सा स्टमक भी अपसेट हो जाता है। तो थाली पीठ इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आपको बड़े के जैसे ही बनती है, लेकिन हम उसको एक पराठे के फॉर्म में बनाते हैं और वो बहुत शैलो फ्राइड होती है, तो बहुत ऑयल या घी उसमें नहीं जाता है, तो वो हमारे स्टमक पे भी लाइट होती है। तो आज हम लोग वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबका थैंक्स करूंगी जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड थैंक्स करूंगी अमूल का जिन्होंने मुझे आज फिर से एक मौका दिया अपना यहाँ पे स्किल शोकेस करने का, कुकिंग स्किल। और हमारी जो सिंपल होममेड सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आज थाली पीठ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन सेकेंड। जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे भीगा हुआ साबूदाना। मैंने इसको 8 to 10 आवर्स के लिए सोक किया है। आपको अगर कई साबूदाने की वैरायटी डिफरेंट होती है तो क्या होता है कि आप उसको अकॉर्डिंगली भिगो सकते हैं, बट मिनिमम 4 to 5 आवर्स लगते हैं। और इसमें हम लोग डालेंगे आलू, इसको भी मैंने बॉइल करके रखा है। और वन सेकेंड यहाँ पे, या क्या करती हूँ, ग्रेट कर लेती हूँ मैश करने के बजाय, तो ये बहुत इवनली अच्छे से हो जाता है। और वैसे भी अभी हम जब इसका डो बनाएंगे तो उसमें हमको इसको मैश करना ही रहेगा। तो ये हमने इसमें डाल दिया आलू। जस्ट अ मोमेंट। हमें इसके लिए मिक्सचर बनाना है, इसमें हम कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग डालेंगे इसमें जिंजर, रोस्टेड पीनट्स एंड फ्यू ग्रीन चिलीज। इनको मैंने धो के रखा हुआ है। हेलो दीपमाला जी, मैं साबूदाना थाली पीठ बना रही हूँ आज। बहुत अच्छी रेसिपी है, नॉन फ्राइड, शैलो फ्राइड होती है और बहुत यम्मी लगती है। और एक वैरायटी, जैसे कि हमें बताया 9 दिन फास्ट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रोज वैरायटी चाहिए,
तो हम लोग ऐसे अलग अलग वेराइटी बना सकते हैं अदर देन खिचड़ी एंड साबूदाना वड़ा। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। इसको अच्छा फाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है साबूदाना का जो ये थाली पीट है इसको हमें एक डो फॉर्म करना है, इसलिए हम इसमें क्रश अच्छे से कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा मिक्सचर। अब हम इसमें डालेंगे पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, थोड़ा सा होल जीरा। आज मैं इसमें होल जीरा डाल रही हूँ, आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था, और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा काली मिर्च डालूंगी फ्लेवर के लिए, एंड थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो देखिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने लिया है भीगा हुआ साबूदाना, उबला हुआ आलू, हरी मिर्च, रोस्टेड पीनट्स एंड अदरक का पेस्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा। अब हम इसको अच्छे से डो के शेप में लाएंगे, अच्छे से इसको गूंद लेंगे। ये देखिए, इसको हम वड़े में हम थोड़ा आलू कम डालते हैं, इसमें हम लोग आलू थोड़ा ज्यादा डालते हैं ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। और ये हमारा डो रेडी हो गया है। जस्ट मैं हाथ धो लेती हूँ। मैं पैन गरम करने रखती हूँ इधर, जब तक साइड में, जब तक हम हमारा थाली पीट रेडी करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, या तो बटर पेपर ले लीजिए, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई थोड़ा सा थिक पॉलिथीन का जो शीट आता है वो ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए। हल्का सा मैं इसमें ऑयल लगा रही हूं। और अपने हाथों में भी लगा रही हूं। और ऐसे हाथ में ऑयल लगा के हम इसको जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको फैलाएंगे। और ये जो साइड से ब्रेक होता है उसको आप इकट्ठा करते जाइए। आई होप आपको विजिबल है, दिख रहा है ना, थोड़ा पास करूं। तो हम एक अच्छा सा राउंड शेप देंगे।
ये देखिए ये बन गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, धीरे से इसे शीट के साथ ही उठाएंगे और इसको हम हमारे तवे पे रख देंगे और हल्के से बात क्या करेंगे, शीट को उठा देंगे क्योंकि ये ग्रीस्ड है तो ये आराम से उठ जाएगा। ये देखिए राइट। थैंक यू सोनिया जी। अब मैं थोड़ा पीछे करती हूँ तो आपको दिखेगा ये, है ना। अब ये नॉन स्टिक पैन है, इसको भी थोड़ा हिलाएंगे नहीं, अब भी डाला है, थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली सरक जाएगी जब थोड़ी सी हीट होगी, तो अभी आपको इसको छेड़ना नहीं है। मैं जैसे कि मैंने बताया खाना नहीं है इसलिए मैं अभी एक ही बनाऊंगी, आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि ऐसे ना बेलने से बीच में आप थोड़ा सा होल कर दीजिए, इससे क्या होगा हम बीच में थोड़ा सा घी डालेंगे सेकने के लिए तो वो पूरा सेंटर में भी जाएगा। मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, घी आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं अमूल का घी यूज कर रही हूं। और मैंने अभी मीडियम फ्लेम करा है, इसको आपको बहुत हाई पे नहीं सेकना है क्योंकि इसको पकाना भी है। हेलो गौरव जी, हम इसको हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे क्योंकि हमको इसको अच्छे से कुक करना है, साबूदाने को जितना पकने में टाइम लगता है तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप मैं इसमें डाल रही हूँ घी। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इसमें ताकि अच्छे से पके और अच्छा सा जो हमें इसमें क्रिस्पीनेस और क्रंच चाहिए वो भी आ जाए। एंड इसको हैंडल तो केयरफुली करना ही होता है क्योंकि हमने इसको एक रोटी के फॉर्म में बनाया है। देखिए अब ये सेंटर में अपने आप सरक के आने लग गई क्योंकि ये पक गई है। देखिए अब ये मूव हो रही है क्योंकि ये थोड़ी सी पक गई है। पर अभी ये फ्लिप करने जितनी नहीं हुई है तो हम थोड़ा सा और रोकेंगे। थोड़ा सा सेंटर में मैं फिर से घी डालूंगी। सेंटर में डालते हैं तो वो सब सेंटर का जो पोर्शन है वहां पे अच्छे से सब तरफ चला जाता है। अगर ऐसे आपको बीच में लगे कि ये ब्रेक हो रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, इसको वापस से वहां बिठा के
प्रेस कर दीजिए, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कच्चा है। इसके लिए आप ऐसे ये लेके भी इसको प्रेस कर सकते हैं। वन सेकेंड, ये ब्रेक होगी तो कोई टेंशन मत लीजिए, इसको हम लोग साइड में करके वापस से जोड़ देंगे। जस्ट अ मोमेंट, देखिए बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। एक साइड से पूरी हो गई है, सिमिलरली हम इसको दूसरी साइड से भी पूरा सेकेंगे। एंड जैसा वड़ा होता है थोड़ा ऑयली हो जाता है, वो चीज इसमें आप बिल्कुल फील नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपने देखा कि हम कितना कम ऑयल या घी यूज करते हैं, तो ये बहुत कम मतलब लाइट ऑन स्टमक रहता है। मैं सेकेंड साइड में कुछ अभी डालूंगी नहीं ऑयल, थोड़ा सा हम उसको ऐसे ही सिकने देंगे, क्योंकि हमें जितना रिक्वायर्ड था हमने ऑलरेडी उसमें ले लिया है। और इसको हम लोग सर्व करते हैं दही के साथ, बढ़िया सा ऊपर घी लगा दीजिए अमूल का, साथ में दही दीजिए, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी डिश तैयार हो जाती है। फिलिंग अच्छी है,
तो खाने में भी मजा आता है। इसको हम करेंगे अमूल के दही के साथ सर्व। देखिए ये निकाल ली है मैंने, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा अमूल का घी। आप चाहें वैसे बटर सॉल्टेड होता है, अनसॉल्टेड बटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अनसॉल्टेड बटर के साथ भी इसको खा सकते हैं। बढ़िया परफेक्ट पक जाती है ये। एंड मेन इसका यही है कि इसमें ऑयल बहुत कम रहता है, वड़े कई बार हैवी लगते हैं तो उस हिसाब से ये बहुत बेटर है खाने में। तो बनाइए और खाइए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। जय माता दी। एंड कल फिर से मिलते हैं एक दूसरी रेसिपी के साथ। बाय बाय। अब मैं सेशन यही एंड कर रही हूँ। थैंक यू अमूल, थैंक यू ऑडियंस।